नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों कुवैत 8 लाख भारतीयों को अपने देश से बाहर निकालना चाहता है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टोन शो को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिले। तो इससे पहले कि ये जाने हम कि आखिर कुवैत ऐसा स्टेप क्यों उठा रहा है, उससे पहले कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। तो बात यह है कि कुवैत की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 43 लाख। अब यहाँ पर इन 43 लाख में से कुवैत के जो एक्चुअल रेसिडेंट्स है उनकी पॉपुलेशन केवल 13 लाख है और बाकी 30 लाख की जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेट्स है, यानी कि दूसरी कंट्रीज से आए हुए लोग हैं जो कि कुवैत में काम कर रहे हैं। तो अब कुवैत की जो पूरी इकोनॉमी है वो ऑयल पर डिपेंडेंट है और COVID-19 की वजह से जो ऑयल है उसके प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनेशन हमको देखने को मिला है। तो उसकी वजह से कुवैत की जो इकोनॉमी वो भी बुरी तरीके से हिट हुई है। तो यहाँ पर अब ये चाह रहे हैं कि जो प्रवासियों की पॉपुलेशन है उसको 70% से 30% पर लेकर के आया जाए। तो अब इससे भारतीयों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसके बारे में अगर बात करें, कुवैत में जो टोटल भारतीयों की पॉपुलेशन है वो है 14.5 लाख। अब यहाँ पर ऐसा कुवैत का रूल है कि इंडियंस की जो पॉपुलेशन है वो कुवैत में 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर उस रूल को ध्यान में रखा जाए तो उस हिसाब से कुवैत की अभी जो इंडिया की पॉपुलेशन कुवैत में रह रही है जो कि 14.5 लाख है, उसको घटा करके 6.5 लाख पर लेकर के आना है। और अगर कुवैत ऐसा करता है तो इसकी वजह से कुवैत को 8 लाख भारतीयों को फिर से भारत के लिए डिपोर्ट करना पड़ेगा। अब इसके पीछे कुवैत ने क्या क्या कारण बताया अगर उनकी बात करें, तो पहला तो कारण ये है कि COVID-19 की वजह से उनकी जो इकोनॉमी बुरी तरीके से हिट हुई है वो। दूसरा कारण है अनस्किल्ड लेबर्स, यानी कि कुवैत की जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि हम चाहते हैं कि इंडिया के जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है या जो भी स्किल्ड पर्सनस है वो कुवैत में आकर के काम करें, लेकिन इसके अपोजिट जो हो रहा है वो ये है कि वहाँ पर अनस्किल्ड जो लेबर्स है जो कि लिटरेट भी नहीं, उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, वो कुवैत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है जो कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है उनमें काम करते हैं। तो अब कुवैत चाहता है कि ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए, पहली चीज़। दूसरी, COVID-19 का जो मेन रीज़न आ रहा है वो किसी भी देश के लिए ये आ रहा है कि जो फॉरेनर्स आकर के कंट्री में रहे हैं उन्होंने जो वायरस है इसको फैलाने में ज़्यादा जो है मतलब कि उनका रोल रहा है। तो इस वजह से भी कुवैत चाहता है कि भविष्य में भी अगर ऐसी कोई समस्या आई तो उसे निपटने के लिए अभी से ही प्रिकॉशंस ले ली जाए। तो अब इसका जो मेन रीज़न यहाँ पर जो कुवैत इतना कंसर्न है उसका कारण ये भी क्योंकि कुवैत जो है वो हमारे इंडिया के मणिपुर जो स्टेट है उससे भी एक छोटा देश है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर अकेले के अंदर 50,000 जो केसेस है वो अभी तक हो चुके हैं। तो ये थी इसके मामले की पूरी जो रिगार्डिंग जो डिटेल्स थी वो। तो इसकी वजह से इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा जो है इफेक्ट फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडियंस कुवैत में काम करते थे उनकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो है उसको भी थोड़ा बेनिफिट हो रहा था, लेकिन अब जैसे 8 लाख भारतीय वापस इंडिया में आएंगे तो उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो है उस पर भी थोड़ा बहुत तो फ़र्क ज़रूर पड़ने वाला है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके जो भी चिल्ड्रन वगैरह वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो एकदम से वो जब वहाँ से पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा तो उनकी जो ग्रोइंग अप पैटर्न है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है हमको दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से ये जो डिसीजन है ये इंडियंस को तो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हिट करने वाला है जो कुवैत में अभी रह रहे हैं। तो ये थी इस मामले के बारे में सारी डिटेल। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।